नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, हर नेता अपने कामों की चिट्ठी लोगों को बांटने में जुटा है। इसी बीच बीएसपी की मायावती ने अपनी पार्टी के लिए नई रणनीति और प्लान बना लिया है। क्या है ये प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपना नया प्लान बना लिया है। इस प्लान के तहत बीएसपी दूसरे दलों से आने वाले नेता और बागियों से परहेज करेगी। इसके लिए मायावती ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो दूसरे दलों के आने वाले विधायकों और जिन नेताओं के टिकट दूसरे दलों ने काट दिए हैं उनको टिकट दिलाने से परहेज करें। इसके लिए मायावती ने ट्विटर कर पार्टी नेताओं को संदेश दिया है। पिछले दिनों ही बीएसपी के 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसे बीएसपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल मायावती का ये बयान उस वक्त आया जब पार्टी के ज्यादातर नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं और बीएसपी को कमजोर बता रहे हैं। वहीं राज्य में बीएसपी प्रमुख के ऐलान के बाद ये तय हो गया है कि बीएसपी में अब दल बदलों की एंट्री नहीं होगी। मायावती ने अपनी ट्वीट में लिखा कि बीएसपी के नेताओं के अगर टिकट काटे जाते हैं तो उन्हें पार्टी के दूसरे विधायकों और बाकी लोगों के टिकट देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को ज्यादा टिकट देने पर जोर देना चाहिए। यानी मायावती का साफ संदेश है कि पार्टी को अपने कैडर के नेताओं को टिकट देना चाहिए। वहीं एसपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी और बाकी विपक्षी दलों के निष्कासित नेताओं को पार्टी में शामिल करने से समाजवादी पार्टी का समर्थन आधार नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि ये और कमजोर होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि एसपी को पता होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दल बदल किस्म के नेताओं को लेकर उनकी पार्टी के नेता ही नाराज हैं और ज्यादातर नेता बीएसपी के संपर्क में है। फिलहाल बीएसपी एसपी को लेकर ज्यादा आक्रामक है, क्योंकि बीएसपी के ज्यादातर विधायक ने एसपी का ही दामन थामा है। लिहाजा मायावती बीएसपी विधायकों को पार्टी में शामिल कराने को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। इस चुनाव में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि एसपी 5 ही सीट जीत सकी थी। इसके बाद मायावती ने एसपी के साथ अपने चुनाव गठबंधन को खत्म कर दिया था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का यूपी में खाता भी नहीं खुला था। बीएसपी की मायावती ने अपना प्लान तैयार कर लिया है कि अब बीएसपी में दल बदलों और दूसरे दलों के बागियों की नो एंट्री। लेकिन इस नीति से क्या मायावती यूपी को फतेह कर पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।